Good morning, children. Hope you all are fit and fine and doing well. Let's start our day with a beautiful thought. True friends are never apart, maybe in distance, but never in heart. So children, what does it mean? कि आपके जो true friends होते हैं, आपके सच्चे मित्र होते हैं, वो कभी भी आपसे दूर नहीं होते. वो चाहे डिस्टेंस वाइज जो हैं आपसे अलग रहें, बट वो हमेशा आपके दिलों में रहते हैं. ठीक है? सो वी ऑल शुड हैव आर ट्रू फ्रेंड्स. यस चिल्ड्रन, द चैप्टर इज कॉल्ड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज लेसन 7, फेयर डे ऑफ द बुक हनीसकल. ओके, रिटन बाय प्रेमचंद. So this is the chapter which is divided into three parts. Okay, part 1, 2, and 3. And in this video, I will explain you only the first and the second part. Children, before I start my explanation, I would like to ask you some questions. Okay, has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके कभी बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता है कि वो गलत था? ठीक है, व्हाट डिड यू डू देयर? तो आप क्या करोगे अगर आपको लगता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने जो है कुछ गलत किया है? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? कि आप चुप रहोगे या अपने फ्रेंड को बताओगे या कि आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में? ठीक है, read this story about two friends who had to decide what was more important. So children, this lesson is about the two friends, okay, who had to decide what was more important. Jinko decide karna hai ki kya zyada important hai, friendship and enmity. Friendship ya fir ya to dosti ya dushmani, enmity. A sense of what is right and what is wrong. कि क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है, that we will read in the chapter. Now I am going to start the chapter part 1 of the lesson. So this is part 1, fair play. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. कि जो जुम्मन शेख थे और अलगू चौधरी थे, they were very good friends and they have a strong bond of friendship. बहुत अच्छी मित्रता थी उनकी. And whenever one of them is away from the village, so the other one look after the family. कि अगर एक वहां विलेज में नहीं होता था तो दूसरा जो है उसकी फैमिली को लुक आफ्टर करते थे. ठीक है, एंड दे वर रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और पूरे विलेज में जो है उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ऑफ देयर फ्रेंडशिप. ओके, जुम्मन हैड ए ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. अब क्या है कि जुम्मन शेख जो थे उनकी एक आंट थी और उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनके पास कुछ, उन्होंने क्या किया कि शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन. और किसलिए ट्रांसफर कर दी उनको सारी प्रॉपर्टी अपनी? बिकॉज शी थॉट दैट जुम्मन विल लुक आफ्टर हर. उनको लगा कि जुम्मन जो है उनकी देखभाल अच्छे से करेंगे. ठीक है, द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. देन द सिचुएशन चेंज. Jumman and his family were tired of the old relative. Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. Indifferent means? Indifferent. What do you mean by indifferent? That is, means no interest. Okay? No interest. Having no interest in anything. Okay? So, क्या हुआ कि कुछ दिन को सब ठीक
चलता रहा फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब ठीक चल रहा था, बट दे वर वेरी टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. अब जो जुम्मन थे उसकी वाइफ थी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे ओल्ड लेडी से, अपनी जो रिलेटिव थी उनसे, ठीक है. एंड वो दोनों ही जो है उनका बिहेवियर जो था, जुम्मन एंड हिज वाइफ, दे बिकम इनडिफरेंट. उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था इन द ओल्ड लेडी, ठीक है. और उनको बहुत मुश्किल होती थी कि वो बहुत अनविलिंगली जो है दे वर गिविंग फूड टू द ओल्ड लेडी, बहुत मुश्किल से जो है उनकी देखभाल कर पा रहे थे, ठीक है. शी स्वलोड दीज इंसल्ट्स अलोंग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स. अब जो वो ओल्ड लेडी थी, कुछ टाइम तक के लिए तो वो जो अपनी इंसल्ट थी इसको सहन करती रही कुछ मंथ्स के लिए, ठीक है. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स. लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो उनकी पेशेंस थी, उनकी जो सहनशीलता थी वो खत्म होती चली गई, ठीक है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माय सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. सो चिल्ड्रन, हियर्स द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स आर गिवन इन द बुक. सो रीड द डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम हियर. सो चिल्ड्रन, क्या हुआ कि वन डे द ओल्ड लेडी शी स्पोक टू जुम्मन, जुम्मन से बात करती है वो और उनको कहती है कि नाउ आई डोंट वॉन्ट टू लिव, आई नो दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि तुम मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहते हो, प्लीज गिव मी मंथली अलाउंस. मंथली अलाउंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी गिवन रेगुलरली, जो मंथली किसी को हम पेमेंट करते हैं, ठीक है. कहते हैं कि तुम मुझे मंथली जो है मेरे को कुछ मनी दे दिया करो एंड प्लीज गिव मी द मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. कहती है फिर मैं जो है अपना सेपरेट किचन जो है एक बना लूंगी एंड आई विल स्टे देयर, मैं वहां पर रह लूंगी, ठीक है. माय वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. अब जो जुम्मन है वो ओल्ड आंट को क्या कहते हैं, कहते हैं मेरी वाइफ को मालूम है हाउ टू टेक केयर ऑफ द हाउस. ओके, बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. अब जो है जुम्मन जो है शेमलेसली जो है वो ओल्ड आंट को कहते हैं कि बी पेशेंट, ठीक है, अपने आप में थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है. इससे जो है ओल्ड जो मैं लेडी थी, ओल्ड वुमेन थी, शी वाज बिकेम वेरी एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आ गया एंड शी वांटेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. अब उसने सोचा कि मैं जो है अपना केस विलेज पंचायत में ले जाऊंगा. विलेज पंचायत आपको पता है ना कि वहां पर सब लोग पंचायत होती है हर एक विलेज में और वहां पे कोई भी प्रॉब्लम होती है विलेजर्स की, सो जो पंच होते हैं वहां के विलेज के, दे सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं. तो जो ओल्ड लेडी होती है शी ऑल्सो वॉन्टेड टू टेक हर केस टू द पंचायत, कहते हम भी अपना केस जो है पंचायत में लेके जाएंगे एंड दे विल ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. ओके, फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. अब बहुत दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी वो विलेजर से मिल रही थी, उनसे बात कर रही थी और उनकी हेल्प चाह रही थी कि जो लोग हैं उसकी हेल्प करें. सपोर्ट मीन्स हेल्प. व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्ट, हेल्प. शी वांटेड टू टेक द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, उनकी मदद लेना चाह रही थी. सम सिंपैथाइज्ड विद हर, अदर्स लाफ्ड एट हर एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. अब जब लोगों से बात करती थी, व्हेन शी टॉक टू द पीपल द विलेज पीपल, सम ऑफ दे वर दे मेक फन ऑफ हर, सम एडवाइज्ड हर टू पैच अप विद कि अपने जो नेफ्यू है और उसकी वाइफ है उनके साथ मिलके रहे, ठीक है. तो इस तरह से एवरीबडी इज गिविंग देयर ओन एडवाइस, ठीक है. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. अब लास्ट में जो है वो
अलगू चौधरी के पास. हु वॉज अलगू चौधरी, कौन है, कौन थे वो, उसके फ्रेंड, जुम्मन के फ्रेंड. ठीक है, तो अब जब उसके पास जाती है तो उसको कहते हैं कि चाची जुम्मन जो है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. कहते हैं मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, उसके खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ कुछ भी. अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. अब वो क्या है कि जो ओल्ड विमेन है वो क्या कहती है उसको, अलगू को कहते कि क्या तुम्हें लगता है ये सही है कि तुम चुप रहो अगर तुम कुछ गलत भी देख रहे हो. मम मीन्स क्वाइट, ठीक है, मम मीन्स क्वाइट कि तुम चुपचाप सब देखते रहो अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत भी हो रहा है. ठीक है, प्लीडिंग द ओल्ड लेडी, प्लीडिंग मीन्स अपील की उससे. ठीक है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ शी सेड. अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज इयर्स. अब क्या है कि ओल्ड वेमेन जो है उनको कहती है अलगू को कि तुम पंचायत में आकर सबको सच्चाई बता दो. ठीक है, कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तू क्या कर रहा है. ठीक है, सो जो अलगू चौधरी होती है ही डिडंट स्पीक एनीथिंग, कुछ नहीं बोले वो और चुप रहे. ठीक है, लेकिन उनके जो वर्ड्स थे ओल्ड वेमेन के उनके कानों में गूंज रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि आकर जो है पंचायत में उसकी हेल्प करें. ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पार्ट टू. ओके, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनर ट्री. अब उसी शाम को जो है पंचायत बुलाई गई, कहाँ पे बुलाई गई, बैनर ट्री के नीचे. ठीक है, जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. जुम्मन खड़ा होता है और कहता है कि जो भी जो पंच है वॉट एवर डिसीजन दे विल टेक दैट इज द डिसीजन ऑफ द गॉड, कि वो भगवान का ही डिसीजन हम मानेंगे. जो भी पंच पंच जो है पंचायत के जो लोग है वो फैसला करेंगे. ठीक है, द वॉइस लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, I will abide by her decision. ठीक है, अब वो कहते हैं कि मेरी जो आंट है उनको मैं देता हूँ, उनको वो जो है किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है, मतलब चुन सकती है कि वो पंच बन जाए. ठीक है, हेड पंच बन जाए. I will abide by her decision. और जो भी वो डिसीजन लेंगी, जिसको भी वो चुनेंगी एज अ पंच, तो मैं उसके उसका जो जो भी वो डिसीजन लेंगे उसको मानूंगा. ठीक है, द पंच नोज, नॉमिनेट मतलब होता है प्रपोज करना किसी को. ठीक है, नॉमिनेट इज टू प्रपोज, नॉमिनेट. ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो जिसको भी जो है प्रपोज करेंगे, जिसका भी नाम बोलेंगे, मैं उसे पूरी अपना जो है पंच स्वीकार करूंगा. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी. पंच जो है वो किसी की भी सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए कोई फ्रेंड नहीं है, कोई एनिमी नहीं है. ठीक है, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी. अब जो वो है ओल्ड वेमेन है वो किसका नाम लेती है, अलगू चौधरी का. और अलगू चौधरी कौन थे, जुम्मन के फ्रेंड. द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, वो कहती है अलगू चौधरी, किसका नाम प्रपोज किया उन्होंने, अलगू चौधरी का. फाइन रिप्लाई जुम्मन hiding his joy over this unexpected piece of luck. अब वो तो बहुत खुश हो रहा था, उसको लग रहा था कि जुम्मन तो मेरा फ्रेंड है एंड ही विल टेक द फेवर ऑफ द अलगू, तो वो अलगू की ही फेवर करेगा. ठीक है, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू. कहते हैं तुम्हें तो पता है कि वो मेरा अच्छा फ्रेंड है. कौन फ्रेंड है, अलगू. ठीक है, I know that, replied the aunt, but I also know that you will not give your conscience for the sake of friendship. कहते हैं कि मुझे पता है कि हाँ तुम उसकी बहुत अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी फ्रेंडशिप के लिए जो है अपनी इनर वॉइस को, कंसाइंस क्या होती है, इनर वॉइस. ठीक है, उसको नहीं उसके साथ गलत नहीं करोगे. ठीक है, God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. और वो कहते हैं कि जो भी decision होगा पंचों का, and the voice of the punch is the voice of the
गॉड और कहते हैं आई विल एक्सेप्ट द डिसीजन। और अब जो ओल्ड लेडी थे वो अपना केस एक्सप्लेन करने लगते हैं। ठीक है, जुम्मन से जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर aunt इज एज डियर टू मी एज यू। कहते अब जो जुम्मन को अलगू कहते हैं कि जो आंट है वो तुम्हारी आंट है, तो मेरी भी आंट है। ठीक है, वो मेरे लिए उतनी ही डियर है, मुझे भी उतनी ही प्यारी है। नाउ आई एम अ पंच, कहते लेकिन अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, कहते तुम और तुम्हारी आंट दोनों ही मेरे सामने इक्वल है। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, डिफेंस मतलब अपने बचाव में तुम क्या कहना चाहते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम क्या कहना चाह रहे हो। अलगू जो है किसको कहते हैं, जुम्मन को। ठीक है, डिफेंस मीन्स टू प्रोटेक्ट, डिफेंस मीन्स टू प्रोटेक्ट। कहते हैं कि वॉट यू वॉन्ट टू से इन योर डिफेंस, तुम क्या अपने आप बचाव में कहना चाहते हो। 3 years ago began Jumman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she did. कहते कि 3 years पहले जो है मेरी aunt थी, उन्होंने aunt ने जो है मुझे अपनी property transfer कर दी थी and मैंने इनको promise किया था कि I will support you. ठीक है, जब तक मैं आप कर सकता हूँ आपकी देखभाल करूंगा। ठीक है, I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. ठीक है, कहते हैं कि मैंने जब तक मैं कर पाया मैंने अच्छे से निभाया है, and now there was a quarrel between my wife and the aunt. कहते झगड़ा हो गया मेरी वाइफ और aunt के बीच में, and कहते मैं उसको खत्म नहीं कर पाया। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. कहते हैं अब जो आंट है मेरी वो मुझे कह रही है कि आई हैव टू पे हर मंथली अलाउंस, मुझे उनको मंथली अलाउंस देने, एंड व्हाट ही सेड इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पे द लेडी द मंथली अलाउंस, कि उनको मंथली अलाउंस दिया जाए। ठीक है, जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। अब जो जुम्मन था उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, सबने पूछे। ठीक है, देन अलगू अनाउंस, और जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, उसने देन अलगू अनाउंस, और उसने फिर क्या अनाउंस किया, वी हैव गॉट इन टू द मैटर। कहते हैं हम सारा जो मैटर है उसको अभी ध्यान से सुनेंगे। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। कहते हैं कि हमारे उससे तो जो है जो हमारा डिसीजन है वो यही रहेगा कि जो जुम्मन है ही हैज टू पे द मंथली अलाउंस टू द आंट, कि उनको जो है मंथली मनी जो है आंट को देनी पड़ेगी। और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने दी थी वो वापस उनको कर दे। ठीक है, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम मतलब रेयरली, बहुत कम नजर आते थे। अब जो दोनों फ्रेंड्स थे वो कभी भी इकट्ठे नजर नहीं आते थे। सेल्डम मीन्स रेयरली, सेल्डम दैट इज रेयरली, वो कभी भी इकट्ठे नजर नहीं आते थे दोनों फ्रेंड्स। अब उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो खत्म हो गई थी। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। अब क्या था कि दोनों जो हैं एक दूसरे से दूर रहने लगे, एंड जुम्मन जो था वो अलगू को चौधरी को अपना एनिमी समझने लगा था, एंड नाउ ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द जुम्मन। ठीक है, और अलगू चौधरी जो है उससे रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना चाहता था। ठीक है, and the friendship between the two has broken. So children, this is up to second part. This story ends here, the second part of the story. So now we will continue in the next video. Okay, we will meet in the next video. Thank you.